जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं किया है, किंतु टिकट की मांग कर रहे एक दावेदार राजेश भारद्वाज इन दिनों दर्जनों लोगों को लेकर रोज गांव-गांव जा जाकर कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। साथ ही भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर फिर से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने लोगों से अपील कर रहे हैं। वैसे तो प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, किंतु पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजेश भारद्वाज नाम का युवक अपने दर्जनों समर्थकों को लेकर लगातार गांव-गांव का भ्रमण करते हुए जनसंपर्क भी कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार भी करने में लगे हैं, जिनके विचार और व्यवहार से क्षेत्र की जनता काफी प्रभावित होती दिख रही है। यदि कांग्रेस पार्टी राजेश भारद्वाज को टिकट देती है तो कांग्रेस को सफलता मिल सकता है। सरल, सहज, मिलनसार, मृदुभाषी और युवा चेहरा होने के कारण क्षेत्र की जनता राजेश भारद्वाज को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। राजेश भारद्वाज का कहना है, यदि पार्टी उसे टिकट देती है तो वह जीत कर भी दिखाएंगे और क्षेत्र में विकास की गंगा भी बहा देंगे। प्रचार प्रसार के दौरान राजेश ने कहा, क्षेत्र का बेटा हूँ, क्षेत्र मेरा परिवार है, यदि मुझे टिकट मिली तो चुनाव जीतूंगा ही, साथ ही क्षेत्र का समग्र विकास करना मेरा दायित्व होगा, लोगों के भरोसे पर खरा उतर कर ही दिखाऊंगा। प्रतिदिन बाइक रैली के माध्यम से राजेश भारद्वाज जनसंपर्क करने और कांग्रेस सरकार के सभी जनहितैषी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं।